मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर मार गिराया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनका एनकाउंटर झांसी में किया गया है। एसटीएफ का दावा है कि इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुआ है। इस एनकाउंटर के संबंध में यूपी पुलिस ने जानकारी देते हुए असद पुत्र अतीक अहमद और गुलाम पुत्र मकसूदन दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए हैं। दोनों के पास से विदेशी कई हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि क्या बीजेपी जुनैद और नासिर की हत्या करने वालों का भी ऐसे ही एनकाउंटर करेगी क्या? नहीं, क्योंकि बीजेपी मजहब के नाम पर इनकाउंटर करती है। आप कानून को कमजोर करना चाहते हैं। हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया कि हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? अरे एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को, नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब, नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बाला दस्ती रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? और फिर अगर यहां पर पूछो आप निजामबाद में